नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। राज्य भर के स्कूलों में चलेगा पोषण अभियान। शराबबंदी कानून को सख्त बनाने के लिए सीएम नीतीश ने जारी किया निर्देश। स्कूल बंदी के समय का भी मिड डे मील ले पाएंगे बिहार के बच्चे। 15 से 18 साल के किशोरों का कोरोना टीकाकरण हुआ अनिवार्य। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दरोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। दरोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा की तारीखों को जारी कर दिया गया है। हाल ही में बिहार में दरोगा सार्जेंट के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे, जिसके बाद ही अब मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया है कि परीक्षा के लिए प्रदेश में 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके बाद ही अब इस मुख्य परीक्षा का आयोजन आगामी 24 अप्रैल को किया जाएगा। ज्ञात हो मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। आपको बता दें कि आयोग ने बीते 26 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसका रिजल्ट 2 फरवरी को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए 3 शहरों में सेंटर बनाया जाएगा। काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने काम में सुस्ती दिखाने वाले अंचलाधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन और सरजमीनी सेवाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले सीओ की सूची तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट में जिस सीओ के द्वारा दाखिल खारिज परिमार्जन वो लगान रसीद की गहन समीक्षा की जाएगी। सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आवेदन रद्द करने, लटका कर रखने और देरी में निष्पादन करने वाले सीओ पर 1 मार्च के बाद कार्रवाई की जाएगी। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय इन सभी लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। मंत्री के आदेश पर अमल कराने के लिए सभी मुख्यालय ने सभी जिलों के अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्री जी की माने तो ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ अधिकारी लोगों के आवेदनों को बेवजह निस्तारित नहीं कर रहे हैं। राज्य भर के स्कूलों में चलेगा पोषण अभियान। राज्य का शिक्षा विभाग भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय और समाज कल्याण विभाग के पोषण वाटिका अभियान से जुड़ने जा रहा है, जिसके बाद ही अब स्कूलों में दिया जाने वाला मिड डे मील अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होगा, बल्कि बच्चों का मील अब पोषण से भरपूर होगा। हालांकि इस योजना को बिहार सरकार चरणवार तरीके से करने जा रही है, जिसके तहत ही पहले चरण में स्कूली बच्चों को पोषण युक्त खाद्य सामग्री की जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें घर में भी इसे अपनाने की सलाह दी जाएगी। आगे स्कूलों में भी पोषण वाटिका का निर्माण होगा। अभी ये अभियान सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा है। शराबबंदी कानून को सख्त बनाने के लिए सीएम नीतीश ने जारी किया निर्देश। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून की सच्चाई क्या है इससे आप भी वाकिफ होंगे। लेकिन सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक कड़े नियम कानून लागू कर रहे हैं। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में मद्य निषेध के क्रियान्वयन से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 6 नवंबर 2021 के बाद से अब तक की गई कार्रवाई, ड्रोन, मोटरबोट, स्वान दस्ता आदि के माध्यम से छापेमारी अभियान, जब्त शराब, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कार्रवाई संबंधित सारी विस्तृत जानकारी साझा की। आय से अधिक संपत्ति मामले में रोहतास के तत्कालीन एसडीपीओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी। इन दिनों बिहार में एक के बाद एक धन कुबेर की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसी कड़ी में बिहार में आज सुबह एक बार फिर से एक और धन कुबेर की जानकारी निकल करके सामने आई। आय से अधिक संपत्ति मामले में देहरी रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापेमारी की जा रही थी। उन पर अवैध बालू खनन और गैर कानूनी व्यापार से संबंधित रखने के आरोप काफी ज्यादा है। उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाने में मामला दर्ज कर न्यायालय में अनुमति मिलने के बाद छापेमारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई को रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार की गैर कानूनी धंधे में भूमिका प्रकाश में आई थी, जिसके बाद से ही ये कार्रवाई की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने अब तक ठंड बरकरार रहने की बताई वजह। इस साल तो सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार में धूप के साथ ठंड का सितम जारी है। पहले पश्चिम बंगाल से आई हवा के कारण भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में समय से पहले ही ठंड आ गई। उसके बाद हिमालय क्षेत्र से बह रही पछुआ ने ठिठुरन बढ़ा दी। आलम यह हुआ कि हर साल जहां मकर संक्रांति के बाद ठंड का असर खत्म होने लगता था, वहीं इस साल बसंत पंचमी के खत्म होने के बाद भी यह बरकरार है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लानीना प्रभाव के कारण इस साल ठंड के दिन ज्यादा हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि लानी
लानीना के प्रभाव के कारण इस बार अनुमान था कि ठंड 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो नहीं हुई। ठंड जनवरी के पहले सप्ताह में अपने रंग में आना शुरू हुई थी। अनुमान था कि 26 जनवरी के बाद ठंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हो रहा है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क और आसमान मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। स्कूल बंदी के समय का भी मिड डे मील ले पाएंगे बिहार के बच्चे। अब बिहार के सभी बच्चों को स्कूल बंदी के दौरान भी मध्याह्न भोजन का लाभ मिलने वाला है, जो कि बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को मिलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक उनके मध्याह्न भोजन के अनाज और खाना पकाने के परिवर्तन मूल्य का लाभ राज्य सरकार जल्द ही देगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अनाज विद्यालयों में वितरित किया जाएगा, जबकि परिवर्तन मूल्य की राशि छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आज से शुरू हुई 32,700 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए छठे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है, जो कि 11 फरवरी तक जारी रहेगी। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 से ज्यादा पदों के लिए काउंसलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम परिक्षेत्र में पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिए हैं। जिला पदाधिकारियों को पूरी स्थिति पर निगाह रखने के लिए भी कहा गया है। खुल गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गाइडलाइन का करते रहना होगा पालन। कोरोना की तीसरी लहर में आ रही गिरावट के बाद से ही अब बिहार में लगभग सभी चीजों को खोल दिया गया है। इसी कड़ी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पर्यटकों के लिए खुल गया है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर कुछ गाइडलाइन को भी जारी किया गया, जिसका पालन पर्यटकों को करना होगा। इसी के तहत वाल्मीकि नगर में जितने भी होटल या रहने की जगह है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आने वाले पर्यटकों को वाल्मीकि नगर घूमने में कोई असुविधा नहीं होगी। पर्यटक इको पार्क, जंगल सफारी का भी आनंद लेंगे। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आने वाले सैलानियों को मास्क का उपयोग करना होगा। सबसे खास बात यह है कि 12 फरवरी से वीकेंड टूर पैकेज की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पर्यटक वीटीआर के वेबसाइट से जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 15 से 18 साल के किशोरों का कोरोना टीकाकरण अनिवार्य। बिहार समेत पूरे देश में वर्तमान समय में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। बिहार में भी इसका काम जोर शोर से हो रहा है। हालांकि अब तक इसे सभी किशोरों के लिए ये अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से इस आयु वर्ग के सभी किशोरों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब सभी सरकारी और निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। नर्सों को दिया जा रहा है ANM किट। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का संकल्प बिहार सरकार ने ले लिया है। यही कारण है कि अब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी को तकनीक युक्त किया जा रहा है। साथ ही ANM को उपहार भी दिया जा रहा है, जिसमें सभी आधुनिक मेडिकल उपकरण होने वाले हैं और उसी की मदद से ANM लोगों को बेहतर इलाज भी अब कर सकेगी। इसको लेकर ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावकारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ANM को किट से लैस किया जा रहा है। मरीजों का इलाज करने में ANM चिकित्सकों के लिए सहायिका और सहयोगी होती है, इसलिए विभाग ANM को हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रहा है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। शादी समारोह में भाग लेने हाजीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बीते दिन एक के बाद एक कई आरोप लगाए, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जदयू की तरफ से शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो पहले ही यही बताएं कि विशेष राज्य का दर्जे की मांग वो कर किसे रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति विशेष राज्य का दर्जा देंगे? मुख्यमंत्री जी तो उस सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही शामिल है। बिहार और केंद्र में जदयू भाजपा की सरकार है। इसी सरकार में RCP सिंह टैक्स मंत्री है, उसी से मांग करने में उन्हें इतना वक्त लग रहा है। भाजपा के सांसद ने नीतीश कुमार पर कुर्सी का लोभ होने का लगाया आरोप। पिछले कुछ महीने बिहार में सरकार में एक साथ होने के बाद भी इन दोनों भाजपा और जदयू के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। खासकर जब बात जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे की आती है तो दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आई है, जिसके बाद ही कई बार ऐसी संभावनाएं भी जताई गई है कि दोनों पार्टियों के बीच का गठबंधन टूट सकता है। ऐसे में भाजपा की तरफ से सासाराम सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा बयान दिया है। सासाराम सांसद छेदी पासवान ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी हाथ मिला सकते हैं।
शर्मा ने अतीत में भी ऐसा ही किया था और वो ऐसा फिर से कर सकते हैं। कोरोना के मामलों में आई कमी, लेकिन डरा रहे हैं जान गंवाने वालों के आंकड़े। भारत में कोरोना का कहर अब पहले से कम हो गया है। करीब एक महीने के बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 67,597 नए कोरोना केस आए हैं और 1,188 संक्रमितों की जान चली गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए थे और 896 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात तो यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,80,456 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 1,14,000 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,23,39,611 लोग संक्रमित हुए थे, इसमें से 5,04,062 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4,08,40,000 लोग ठीक भी हुए हैं। मिनटों में बिका भारत पाकिस्तान मैच का टिकट। इस साल ऑस्ट्रेलिया में 23 अक्टूबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप के मुकाबले के सभी टिकट बिक गए हैं। ICC ने सोमवार को इस विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री की घोषणा की थी और इसके कुछ मिनट बाद ही सभी टिकट बिक गए। इसके अलावा 27 अक्टूबर को SCG में डबल हेडेड दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश और भारत बनाम ग्रुप ए उपविजेता मैच की भी सभी टिकटें बिक गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार टूर्नामेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इस दौरान होने वाले 45 मैचों की प्री सेल अवधि के दौरान 2 लाख टिकट बिक गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार पंडित, गजेंद्र सिंह, दिव्यांशु कुमारी, मिथुन कुमार पंडित, रुपेश कुमार, सुमन कुमार, संजय कुमार, शंकर मुखिया, रघुनाथ प्रसाद, कुंदन कुमार, राजकुमार, सुरेंद्र रॉय। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने में बिहार पुलिस सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।